हुई है बाबा केदारनाथ। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो दोस्तों यहाँ पर हो गई आपकी बहुत अधिक मात्रा में बर्फबारी हो गई यहाँ पर। दोस्तों यह है आपका हेलीपैड, यही है सो दूर जहां भी देखूं, चारों तरफ यह जोगी योगी और है साधु। अब भी यहां से ना 1.5 किलोमीटर दिखा रहा है। ये दिया बर्फ की चादर ओढ़े, खामोशी से रम जाते हैं कुछ में भरे, बैरागी सन्यासी सब जपते रहते हैं शिव शंभु, ऐसा लगे ये तेरे ही है मेरे शंभु। ऊंची वादी में बसते हैं भोले शंकर। हेलो दोस्तों, नमस्कार, सुप्रभात, हर हर महादेव। दोस्तों समझ हो रहा आपका, अभी सुबह का 3:30 हो रहा है, तो 2 बजे से देखता मैं लाइन लग गई थी यहाँ पर आपका बाबा केदार जी के दर्शन के लिए। तो हम लोग भी जो है उठ गए हैं, तो अब हम लोग भी जो है अपना रेडी होते हैं, यहाँ से हम लोग भी निकलते हैं सीधे लाइन पर लगते हैं। दोस्तों सुबह का आपका 3 बज रहा है और ये सभी लोग जो जा रहे हैं आपके, आप पर रजिस्ट्रेशन करेंगे, यहाँ पर वेरिफिकेशन करेंगे, उसके बाद ये सभी लोग जाएंगे आपका गौरीकुंड, कि गौरीकुंड के बाद ये लोग स्नान करेंगे, उसी के बाद ये आपका बाबा केदार जी के दर्शन के लिए केदारनाथ जाएंगे। तो हम भी जाते हैं बराबर, हम भी तैयार होते हैं जल्दी से, हम लोग भी तैयार होते हैं, स्नान करते हैं यहाँ भी, अभी उसके बाद वहाँ भी करेंगे, और जल्दी से हम भी रेडी होते हैं, फिर हम भी इसी तरह लाइन पर लगते हैं और बढ़ते हैं बाबा केदार जी के दर्शन के लिए। टाइम हो रहा है आपका 3:26। करण की नींद नहीं खुल रही है। करण, ये करण उठिया, चल अभी लाइन लग गई वहाँ, चलो उठो। करण सोने में ही है, करण को पता ही नहीं है, 2 बजे से लाइन लग गए भाई, वहाँ उठो फटा। और करण को भेज रखा मैंने चाय के लिए, तो चाय जरूरी है, तो चाय लाता है वो, तो चाय पीते हैं, चाय पीते हुए अपना जो भी नहाते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों ये आ गई हमारी चाय, बहुत धन्यवाद करण। तो तू तैयार है ना, तुम तैयार हो, नहाओ दो, तुम नहा लो, फिर नहाने के बाद अगर गौरीकुंड में मौका मिलेगा वहाँ भी नहाएंगे, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ मतलब, ठीक है, फिर मैं होता हूँ। तो चाय पी के दोस्तों निकलते हैं हम लोग भी बाबा केदार जी के दर्शन के लिए, लाइन पर लगते हैं हम लोग भी। दोस्तों हम लोग तो है ना आपका रेडी हो गए हैं, तो हम लोग निकल रहे हैं लाइन पर लगते हैं। टाइम हो रहा है आपका 4:30, 2 बजे से लोग यहाँ पर खड़े हैं लाइन में, जल्दी नंबर नहीं है लोगों का, और अभी समय हो रहा आपका 4:30, हम भी लोग भी लाइन पर लग गए हैं गाड़ी के लिए गौरीकुंड के लिए, तो 4:30 हो रहा है, लंबी लाइन दिखे पीछे वाली, आगे भी दिखे तब। तो दोस्तों ये देखिए आप लोग कितनी लंबी कतार है, यहाँ पर लाइन है, पगले वाली भीड़ हो रही है पीछे भी। तो यहाँ से हम लोग जाएंगे आपका गौरीकुंड, वहाँ से हम लोग लोकल टैक्सी से जाएंगे, जितनी भी गाड़ियाँ हमारी अपनी पर्सनल होती हैं वो यहीं पार्किंग में लगानी पड़ती है, उसके बाद जो है आपका यहाँ से लेकर वहाँ से हमें जाना है गौरीकुंड तक आपका टैक्सी से जाना है। यहाँ पर तो यह है कि मतलब आपका गाड़ी तक पहुँचने में कम से कम आधा से 1 घंटा लग सकता है आप लोग के यहाँ पर, तो लाइन लगती है लंबी वाली, तो आधा 1 घंटा तो हमारा यहीं खा जाता है, लग जाता है मतलब गाड़ी तक पहुँचने में। एक सुंदर सी नदी बह रही है यहाँ पर, मज़ा आ गया, ये बहुत बड़ी पुल है, ब्रिज है, तो यहाँ से हमें टैक्सी मिल जाएगी अब। और ये देखिए नदी, आप शानदार नदी यहाँ पर बह रही है, अब यहाँ से हमें गाड़ियाँ मिल जाएंगी। तो फाइनली हमें मिल चुकी है आपका फोन करिए आपका गौरीकुंड के लिए गाड़ी, टैक्सियाँ बहुत लगी हैं लाइन पर। ये देखो नदी कितनी खतरनाक आवाज़ आ रही है।
आगे लग रहा है आपका जाम, तो इसलिए जो टैक्सी साम आया था लोकल टैक्सी को उनको उतार दिया है, क्योंकि आगे खतरनाक वाला जाम लग रहा है। तो यहीं पर आ गया हमारा गौरीकुंड, यह है गौरीकुंड, ये बोर्ड दिख रहा ना आपको, यही गौरीकुंड है, पहुँचने वाला है यहाँ पर। तो यहाँ पर वो किराया दे रहे हैं भैया, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। और हम लोग आगे को बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा हमें चलना है आपका 200 मीटर हमें और चलना है, क्योंकि वहाँ पर जाम लग रहा है ना, तो जाम के चक्कर में उन्हें वहीं को उतार दिया हमें। तो थोड़ा चलना देखिए, आप आने वाला ही हमारा, तो इसमें आप कंडी में जा सकते हो आप लोग, ये है ना, इस पर भी जा सकते हैं। और ये लटकी है आपका, पकड़ने के लिए सहारा चाहिए आपको। तो करण ठीक लग रहा है, मस्त। दोस्तों यहाँ से जो है आपका पैदल ट्रैक जो है वो स्टार्ट हो चुका है यहाँ से, तो ऊपर जाके गौरीकुंड आते हैं, तो वहाँ पर स्नान किया जाता है, उसके बाद जो है अपनी यात्रा शुरू की जाती है। तो यहाँ से जो है पैदल ट्रैक जो है वो स्टार्ट हो गया है, हम लोग भी आगे को बढ़ रहे हैं, ऊपर स्नान करेंगे हम लोग, नहाएंगे, उसके बाद हम लोग भी आगे को बढ़ेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है, बाबा केदार जी की जय, हर हर महादेव। पढ़ाई चल रही है हम लोग, 16 किलोमीटर का पैदल ट्रैक है यहाँ पर, पूरा करना है हमें। हम तो पहाड़ से हैं, तो हम थोड़ा जल्दी चल देंगे, वैसे जल्दी कवर कर देंगे हम लोग आपका 16 किलोमीटर पैदल ट्रैक है। तो गर्मी हो रही है, यहाँ पे स्नान करेंगे। तो दोस्तों ये है गौरीकुंड की छोटी सी मार्केट, फाइनली हम पहुँच चुके हैं गौरीकुंड, जहाँ पर स्नान किया जाता है। तो पानी यहाँ पर ना गर्म पानी, यहाँ पर तो पानी जो है ना गर्म है, नेचुरल है, प्रकृति का ऐसा नहीं क्या ऊपर वाले का है, पानी को गर्म नहीं करे कुछ करे, पूरा नेचुरल है ऊपर, तो गर्म पानी देखिए आप लोग, साइड में भी हो, धुआं भी आ रहा है इसमें। उधर महिलाओं के लिए है, इधर पुरुषों के लिए है। तो स्नान के हमने स्नान के मतलब नहा के तो हम लोग आए थे वहाँ से, थोड़ा हमने पानी नहीं डाल लिया, भूल भूलिया, तो हम जो है आपका नहा के तो हम रूम पे आए थे, थोड़ा तो हमने हल्का पानी मार लिया तो शगुन करने के लिए। तो टाइम हो रहा अभी आपका कितना, 6:02 हो रहा आपका सुबह का। तो हम लोग यहाँ से अपनी यात्रा जो है पैदल यात्रा स्टार्ट कर रहे हैं केदारनाथ के लिए गौरीकुंड से। और यहाँ पर ना घोड़े की व्यवस्था भी है और डोली की व्यवस्था भी है, जो लोग नहीं आ सकते हैं, एजेड हैं, थोड़ा दिक्कत है चलने में, और तो कोई बात नहीं, यहाँ पर घोड़े की भी अधिक मात्रा में आपको यहाँ पर घोड़े और डोली की उचित व्यवस्था है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लोग बैठे हैं वैसे आपके इसमें, ये देखिए आप लोग, हमारे श्रद्धालु लोग घोड़ सवार करके जा रहे हैं। ये आ गए यहाँ पर प्रवेश द्वार, तो डोली की व्यवस्था भी है। तो दोस्तों यहाँ पर ऐसे ही छोटे छोटे बच्चे, नन्हे बच्चे हमारे बाबा केदार जी के, बाबा भोलेनाथ जी के दर्शन के लिए आए हुए हैं। यह है धर्म मंदिर, डोली कितने का है भैया, डोली कितना है,
ये इस कंडे भी बस कितने हैं? मेरा ही कितना होगा? अब मैं जाऊंगा तो कितना? 12,000। क्या बात कर दी, 12,000 रुपये, 12,000 रुपये। अरे और घोड़े में कितने हैं? कितना ये सब? 12,000 रुपये। अरे बैंक। ये देखिए दोस्तों, हमारे यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी हमारे बाबा के दर्शन के लिए आए हुए हैं। तो केदारनाथ दिखा रहा अभी आपके यहाँ से 12 किलोमीटर, भीमबले 2 किलोमीटर, रुद्रा फॉल आपका 200 मीटर। वहाँ से निकले थे और यहाँ बच गए हैं 7, तो 1 घंटा हमें हो चुका है। तो 1 घंटे में हमने जो है आपका 5 किलोमीटर हमने कवर किया है। तो ये कवर करने के बाद थोड़ा हम रेस्ट करते हैं, रेस्ट करने के बाद हम भी कंटिन्यू आगे निकलते हैं। तो 5 किलोमीटर कवर करने के बाद थोड़ा चाय पी लेते हैं, क्योंकि हमने जो है ना आपका 1 घंटे में हमने 5 किलोमीटर हमने कवर किया है 1 घंटे में, बहुत बड़ी बात होती है। मैंने हिसाब लगा लिया कि हम 3 घंटे में हम लोग पहुँच जाएंगे वहाँ पर, क्योंकि हमने 1 घंटे में ही 5 किलोमीटर कवर कर लिया है। तो बढ़िया अच्छी बात है कि हम लोग हैं पहाड़ी कहीं भी चढ़ सकता है, उसमें दिक्कत नहीं हो रही है। बढ़िया नज़ारा है यहाँ का, तो दिखाते रहेंगे हम आप लोगों को नज़ारा कैसे क्या है। तो थोड़ा रेस्ट ले लेते हैं, तो चाय पी लेते हैं। तो दोस्तों फाइनली हमारी चाय आ गई है, समोसा आ गया हमारा, तो ये खाते हैं हम लोग। और यहाँ पर जो है ना धूप भी आ गई यहाँ पर, तो सूर्य भगवान के दर्शन भी हो गए हैं, इससे कहीं धूप नहीं है। और चाय पी के हम लोग भी अब निकल रहे हैं, आगे को बढ़ रहे हैं। अभी ट्रैक बहुत लंबा है, अभी तो हमें कम से कम आपका 10 किलोमीटर हमें और जाना है, बहुत लंबा ट्रैक है। तो इसलिए ज़्यादा देर नहीं करते हुए आगे को बढ़ते रहना है। वीडियो ज़्यादा बहुत लंबी हो जाएगी बार बार, तो सब कुछ तो मैं दिखा नहीं सकता हूँ आपको, पूरा जितना भी है वो दिखा नहीं सकता हूँ आप लोगों को, क्योंकि वीडियो जो है बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसलिए जहाँ जहाँ पर मेन हो रहा है वहाँ पर मैं इस चीज़ को कैप्चर करने की सोच रहा हूँ, उस ब्लॉग को वीडियो को शूट कर रहा हूँ, बना रहा हूँ। ऐसे भी नज़ारा आपको दिखाते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ। यहाँ पर हर चीज़ की व्यवस्था है, थोड़ा यहाँ पर महंगा है, लेकिन जो है व्यवस्था हर चीज़ की मिलेगी आपको यहाँ पर। क्या कहते हैं, टॉयलेट की सुविधा भी यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। तो हर आपको हर 100 मीटर की दूरी पर आपको टॉयलेट की भी सुविधा यहाँ पर उपलब्ध होगी, यानी यहाँ पर आपको हर 100 मीटर की दूरी पर टॉयलेट भी आपको उपलब्ध होगा, यहाँ पर मिलेगा। हर महादेव, पानी जो है बहुत ठंडा पानी है। हम लोग पहुँचे भी आपका कुछ जो का नाम तो दिख नहीं रहे हैं, पर यहाँ से दिखा रहा है केदारनाथ आपका 10 किलोमीटर दिखा रहा है। एक रूट पता नीचे को जा रहा है, रूट मुझे पता नहीं कौन सा रूट है क्या है, हम तो सीधा जा रहे हैं आगे को। और उसके बाद मुझे ये लगता है ना कि जो आपके कल तो हम लोग गाड़ी के जाम फंसे थे, तो ट्रैफिक जाम था, आज जो है घोड़ों का जाम है। यहाँ घोड़े ऐसे आ रहे हैं, मतलब जब भी आप लोग आते हैं आ रहे हैं, तो ज़रा घोड़ों से आप लोग बच के रहना है, ख़तरनाक आ रहे हैं तरीके से आ रहे हैं। जानवर ही हो तो दौड़ते हुए आ रहे, तो इनसे बस के रहना है, बहुत ही ख़तरनाक हो रहा मामला, इनसे बच के रहना आपको, घोड़ों से बस के रहना है। यहाँ पर 2 रास्ते हैं, एक ये रास्ता है और एक जिसमें हम जा रहे हैं, ये थोड़ा शॉर्ट बता रहे हैं इसको, इसलिए हम लोग यहाँ से जा रहे हैं आगे को।
अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर जो नदी बह रही है उस नदी का नाम है मंदाकिनी, जो अलकनंदा में मिलती है। तो नदी के वहाँ पर भी हमने एक बार शूट ले लिया है, फोटो शूट हमने कर लिया है। अब हम लोग आगे को बढ़ते हैं क्योंकि हमें भी लेट हो रहा है। 3 घंटे का हमने टारगेट दे रखा है कि 3 घंटे में हम लोग पहुँच जाएंगे, तो इसलिए लेट हो रहा है। तो फटाफट जल्दी निकलते हैं। हवाई अड्डा देखो, आप लोग जहाज भी जा रहा है। तो लंबी लाइन है क्या? दूर दूर तक लोगों ने टेंट लगा रखे हैं अपने। मात्र 8 किलोमीटर का और बचा आपका केदारनाथ, 8 किलोमीटर हमारा और बचा है। पूरा रोड जो है जाम है। यात्री हमारे, भक्तजन हमारे, श्रद्धालु जो हैं आने में ही हैं, जाने में भी हैं। कई लोग दर्शन करके नीचे को लौट रहे हैं और कई लोग अभी पहुंचे नहीं हैं। अभी तो यहाँ से कम आपका बोट के हिसाब से 6 किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ से अभी, तो पहुँचेंगे हम लोग। टाइम हो रहा आपका 9:30। यहाँ से भी लोग आने में हैं। टाइम हो गया आपका 10:30। तो गौरीकुंड से लेकर यहाँ तक हमें पूरे आपके 4.5 घंटे लग गए हैं, क्योंकि ना बीच में चढ़ाई बहुत है, तो इस कारण से थोड़ा चढ़ाई लग गई यहाँ पर। तो हम लोग पहुँचे हैं अभी आपका एक जो का नाम है लिंचौली। तो यहाँ से 4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर और है केदारनाथ। तो पहले तो हमने 1 घंटे में 5 किलोमीटर कवर किया था, तो उसका हमने हिसाब लगा कि हम हर 1 घंटे में 5 किलोमीटर कवर करेंगे। लेकिन वहाँ से ना आपका 11 किलोमीटर जो है वो टफ है, मतलब बहुत चढ़ाई है उसमें। तो यहाँ तक आने में हमें आपका बहुत समय लग गया। हवाई यात्रा भी यहाँ पर लगातार चालू है। काफ़ी बदलाव देखने को मिल रहा है, मौसम बहुत ख़राब है। जितना ऊपर को जा रहा है उतना मौसम ख़राब देखने को मिल रहा है। फिर किसी देखिए आप लोग, हमारे श्रद्धालु लोग और पूरे टेंट लगे हुए हैं यहाँ पर। व्यवस्था पूरी है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा महंगा है लेकिन पूरी व्यवस्था है। देखो हमारे श्रद्धालु लोग बहुत, मतलब देखो मौसम पूरा ख़राब है। देखिए आप लोग और बर्फ की चोटी देखो आप लोग। इसकी हालत ख़राब है भाई जी की दुकान। लस्सी कितने की है? 50 की। फ्रूटी 20 की। क्रीम रोल ठीक है। नमकीन 5 वाली ठीक है। धन्यवाद।
पूरी बर्फ पड़ रखी है यहाँ पर। पूरा ढेर लगा है भाई बर्फ का। देख यहाँ पड़ी हुई घटना, बर्फ रास्ता भी जाम है, तो उसकी बर्फ को साफ किया जा रहा है यहाँ पर। बर्फ साफ कर रहे हैं वहाँ पर, सभी लोग काम पर लगे हुए हैं और SDRF यहाँ पहुँची हुई है, काम प्रगति पर है। तो बहुत बढ़िया हो रहा है, तो सफाई हो रही है वहाँ पर, तो बर्फ गिरी है तो उसके लिए रास्ता बना रहे हैं, बर्फ को साफ कर रहे हैं और रास्ता साफ कर रहे हैं वहाँ पर। बर्फ साफ की जा रही है, रास्ता साफ करने के लिए। यहाँ पर ठंडी ठंडी हवा जो है ना बर्फ की, वो स्टार्ट हो चुकी है। पूरा रास्ता जो है जाम है, गोदावादी यहाँ पे स्टार्ट हो गई है। और भाई साहब इतना ठंडा हो रहा है ना, आपको क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा ठंडा है। मौसम में काफ़ी बदलाव है, बहुत ज़्यादा ठंडा, मतलब हाथ तो काम ही नहीं कर रहा है, यहीं से 100 मीटर पीछे से ना, मतलब इतना ठंडा हो रहा है, मैं क्या बताऊँ, खतरनाक हो रहा है। हवा के साथ गोदावादी हो रही है यहाँ पर, तो काफ़ी ठंडा है, बहुत ठंडा है यार। हालत ख़राब हो गई, हम लोग भी जल्दी जल्दी से निकलते हैं मंदिर को, पहुँचते हैं मंदिर में, दर्शन करते हैं, उसके बाद देखते हैं यहाँ रहने का और जो भी होगा वो दर्शन के बाद हम लोग देखेंगे। अभी तक नहीं पहुँचे हम लोग, हमें 6 से 7 घंटे हो गए हमें यहाँ पहुँचते हुए, अभी तक नहीं पहुँचे, अभी हम 1 या 2 किलोमीटर पीछे हैं। तो खतरनाक बारिश होने वाली है और बर्फबारी होने वाली है यहाँ पर। अभी भी यहाँ से ना 1.5 किलोमीटर दिखा रहा है, बहुत दूर है यार, बहुत ज़्यादा। अभी भी 1.5 किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ से नीचे, और इस मौसम में बहुत फ़र्क है। वहाँ पता नहीं इतना ठंडा क्यों हो रहा था, ऊपर आए हम लोग अब गर्म महसूस हो रहा है। हाथ तो ऐसे होते ठंडे से खतरनाक हो गए थे, लेकिन अब फिर से हाथ ना गर्म हो गए हैं। सब ऊपर वाले की कृपा है, यानी बाबा केदार जी की कृपा है, महादेव की कृपा है, बड़ी है उनका आशीर्वाद, उन्हीं का है बाबा केदार जी का। तो वहाँ ठंडा फिर गर्म, फिर यहाँ गर्म होने लग गया, हाथ तो ऐसे मस्त हो रहे, और बारिश भी ना यहाँ स्टार्ट हो रही है, हल्की फुल्की बूंदाबांद है, हम तो रेनकोट पहन रखा है। हमारा भारतीय फ्लैग, जय हिंद। सारे टेंट लगे हुए हैं यहाँ पर, रहने की कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग टेंट पर भी रह सकते हैं। और मौसम देखो यार आप लोग, क्या गजब का मौसम हो रहा है। ये पूरा टेंट लगा रखा है, ये तो कुछ नहीं, पूरा मतलब पूरा केदारनाथ में आपको पूरा टेंट टेंट मिलेगा, सब जगह टेंट टेंट है। ये देखो सब टेंट लगा रखा ऊपर, और हमारे बाबा केदार जी का प्रवेश द्वार यहाँ पर आ गया है, और हम जल्दी पहुंचने वाले हैं बाबा केदार जी के द्वार पर। बर्फ बारी हो चुकी है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर हो गई है आपकी अधिक मात्रा में बर्फबारी। तो यहाँ पर हमारे श्रद्धालु, हमारे भक्तजन खूब मज़ा लेते हुए इस बर्फ का, इस बर्फबारी का। दोस्तों ये है आपका हेलीपैड, यही है दोस्तों। हम लोग पहुँचने वाले हैं आपका मंदिर, थोड़ा सा रह गया तथापि हमने ले लिया थे, और हम लोग दर्शन करते हैं। थोड़ा सा रह गया मंदिर का रास्ता हमारा, मंदिर की दूरी थोड़ी सी रह गई है, और 12:30 हो गया दोस्तों, 6.5 घंटे में पहुंच रहे हैं हम लोग यहाँ मंदिर तक। बहुत ख़राब हो गई, और बर्फबारी होने के बाद देखो आप लोग यहाँ का मौसम, यहाँ का प्रकृति का, तो देखिए आप एरिया देखिए आप लोग यहाँ पर, क्या नज़ारा हो गया यहाँ पर। बर्फबारी होने के बाद नज़ारा ही अलग हो गया यहाँ पर, देखिए आप लोग। और बर्फबारी हुई थी और बंद हो गई है, और धूप आने के चांस है। तो ये है मंदिर का रास्ता, सामने हमारा मंदिर।
ऊंचे वादी में बसते है भोले शंकर। कैसी है लागी मुझको तेरी। दोस्तों ये है मंदिर, मंदिर के करीब अरे कवर देने के लिए भी ऐसा पड़ रहे हो भाई। तो दोस्तों मंदिर के अंदर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी बिल्कुल भी मना है, तो इसलिए हम अंदर वीडियो नहीं बनाएंगे, बाहर आके हम आपको दर्शन के बाद मिलते हैं। और आपका भैरव मंदिर के दर्शन करते हैं, उसका हम भी निकलते हैं। कहाँ दोस्तों? हमारे दर्शन तो हो गए हैं तो बाबा केदार जी के, तो अब हम करेंगे आपका भीमशिला के दर्शन करेंगे, जिसने हमारे केदार बाबा के मंदिर को बचाया था आपके आपदा में, तो उनके हम दर्शन करेंगे। यही है सब कुछ जिन्होंने हमारे पूरे मंदिर को आपदा के दौरान पर बचाया था, जिनके पास आपको मैं ले चल रहा हूँ। यही पत्थर है वो जिसे हम बोलते हैं भीमशिला, तो इसी भीमशिला ने हमारे आपके मंदिर को बचाया था आपदा में। बाबा केदार जी के दर्शन तो हमारे हो गए हैं, उसके बाद हम लोग दर्शन करेंगे आपका भैरव बाबा के। अगर यहाँ दर्शन कर दिए आपने तो यहाँ दर्शन करने के बाद भैरव बाबा के दर्शन भी करने जरूरी होते हैं, तो भैरव मंदिर यहाँ पर है, तो यह है भैरव बाबा मंदिर। अब जाएंगे हम, यहाँ हम जाएंगे आप भैरव बाबा मंदिर के और बाबा भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए जाएंगे। दोस्तों आप लोग, हम लोग चढ़ाई चढ़ रहे हैं आपके भैरव बाबा मंदिर के लिए, क्योंकि पता होने वाला रास्ता यहाँ से होगा मुझे लग रहा है, लेकिन लंबा पड़ जाएगा। हम लोग है पहाड़ी, तो हम चढ़ जाएंगे ऊपर को। ये है, हमें यहाँ चढ़ना है ऊपर, यहाँ जाना है मंदिर, वहाँ है यह मंदिर। हाँ ये है मंदिर, हमें यहाँ जाना है, हमें ऊपर यहाँ तक चढ़ना है हमें, तो जल्दी से हम लोग चढ़ते हैं मंदिर तक पहुँचते हैं, फिर आप लोग को भी हम लोग दर्शन कराते हैं
तो बाबा केदार जी के दर्शन तो हमारे हो गए हैं, तो काफी बढ़िया लगा, अच्छा लगा। ये देखिए आप नज़ारा देखिए आज का, आज हम हैं अभी केदार घाटी में, बहुत बढ़िया लग रहा है। हम लोग हैं आज केदारनाथ में, ये देखिए आप खूबसूरत वादियाँ केदारनाथ की। हर हर महादेव बाबा केदार जी की जय, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय बम बम भोले, हर हर महादेव। ये देखिए दोस्तों हेलीपैड, यात्री जा रहे हैं इसमें, कुछ यात्री आ रहे हैं कुछ जा रहे हैं, श्रद्धालु हमारे। तो फाइनली दोस्तों हम लोग उस रूट पर पहुंच चुके हैं जो हमें दूर से दिख रहा था, और भैरव बाबा का जो रास्ता है मंदिर का, तो उसमें हम लोग पहुंच चुके हैं। ये हमारे भैरव बाबा का मंदिर, जय हो। दोस्तों हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं आपका भैरव मंदिर, केदारनाथ घाटी से जो है, केदारनाथ से जो है मंदिर से, ये दो किलोमीटर दूर से स्थित है। तो भैरव बाबा के दर्शन भी हमारे हो गए, हम लोग निकल रहे हैं घर को, होने को था हम लोग चाहते थे सोन प्रयाग नहीं रुकेंगे हम लोग आज, अब तो हम अभी निकल रहे हैं आपका सोन प्रयाग के लिए निकल रहे हैं, वहीं पर स्टे करेंगे। ये सारे यात्री जो हैं हेलीकॉप्टर का वेट कर रहे हैं। ये हेलीपैड है, सदैव ही जिया माँ का कुछ कभी नहीं, तुमने सिर्फ है दिया समुद्र मंथन का, था समय जो आ पड़ा। ये है यहाँ पर आपका घोड़े का स्टैंड है, घोड़े घोड़े मिलेंगे आपके यहाँ पर, पूरा स्टैंड स्टैंड है घोड़े का। हम लोग जा रहे हैं घर को, तो लोग अभी भी जो है ना, लोग अभी भी श्रद्धालु हमारे, यात्री जो है श्रद्धालु हमारे अभी भी आने में हैं, तो आप लोग अभी भी लोग आने में ही हैं। अभी देखो लोग घोड़ा बुक करके, डोली बुक करके, अम्मा लोग देखो बर्फ का आनंद लेते हुए हमारे श्रद्धालु। दोस्तों हम लोग आ गए 11 किलोमीटर, हम लोग पैदल नीचे आ गए हैं दर्शन करके, और कहीं पर बैठते हैं चाय पीते हैं, पैर भी आगे को नहीं बढ़ रहे हैं, तो हमने दर्शन के बाद हम लोग नीचे को आ गए थे, वापस आ गए थे। तो समय हो रहा आपका 6 बज चुके हैं, तो अभी भी लोग ना ऊपर दर्शन के लिए जाने को ही हैं, अभी भी लोग दर्शन के लिए जा ही रहे हैं ऊपर को। समय और आपका शाम का 6 बज चुके हैं, तो अभी भी लोग जा ही रहे हैं ऊपर को। ये पहुंचेंगे आपके रात 8-10 बजे तक पहुंचेंगे, लग रहा मुझे तो रात के 10 बजे तक पहुंचेंगे, पीछे यहाँ बजे 4 घंटे लगेंगे ऊपर जाने में, तो 10 बजे तक ही पहुँचेंगे ये केदारनाथ मंदिर के पास।
बारिश होने के कारण रास्ता खराब हो जाता है यहाँ पर और बहुत ज़्यादा फिसलन हो रही है, बहुत ज़्यादा फिसलन हो रही है यहाँ पर। ये देखो रास्ता, देखो आप तो अंधेरा भी हो गया है। अभी तक हम लोग नहीं पहुँचे हैं जहाँ पर लोकल टैक्सी, जहाँ से हम लोग आए हैं यानी गौरीकुंड, वो है अभी आपका 3 किलोमीटर और है, तो वहाँ पहुँचने में हमें कम से कम आधा घंटा लग जाएगा इस रूट को देख कर, इस रास्ते को देख कर। आठ बज चुकी हैं, अभी भी हम लोग जो है ना आपका गौरीकुंड भी पहुँचे हुए हैं, 8 बज चुके हैं, बल्कि अभी 1 किलोमीटर और है गौरीकुंड यहाँ से। तो रात को भी यहाँ पर यात्रा हो रही है, लोग जो हैं बाबा के दर्शन के लिए रात को भी यहाँ से, अभी भी देखा मैंने अभी भी लोग जाने में ही हैं ऊपर दर्शन के लिए केदारनाथ, तो यही पहुँचेंगे लोग 12-1 बजे तक उसमें रात को। तो यह है गौरीकुंड की बाजार। सोनप्रिया के लिए गाड़ी के लिए लाइन लगी हुई यहाँ पर, टैक्सी के लिए लाइन पर लगे हुए लोग सभी, तो बहुत लंबी लाइन है, गाड़ी का वेट कर रहे हैं, वो लाइन वहाँ तक है, यहाँ तक है लाइन। तो आप पब्लिक भी आगे चल जाएं टैक्सी में, देख लीजिए तो लाइन लगी हुई पूरी बड़ी लाइन, काफ़ी लंबी लाइन है टैक्सी के लिए सोनप्रिया जाने के लिए गौरीकुंड से, बड़ी लंबी लाइन लगी हुई है। यह है लंबी लाइन सोनप्रयाग जाने के लिए, टैक्सी का वेट कर रहे हैं सभी लोग। तो ऐसी लाइन सुबह भी थी, तो अभी वैसी लाइन देखने को मिल रही है, लाइन पूरी पूरी लंबी लाइन है। ये सभी यात्री, हम लोग जो हैं जितने भी लाइन पर लगे हैं, ये सभी लोग टैक्सी के थ्रू जो है आपका सोनप्रयाग जाएंगे। तो जितनी भी गाड़ियाँ जा रही है ना, ये हमारे जितने पैसेंजर वहाँ हमारे श्रद्धालु लोग हैं जो लाइन थी उन्हीं को लेने के लिए जा रहे हैं। और हम लोग जा रहे हैं पैदल, क्योंकि नंबर आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम बहुत पीछे हैं, इसलिए मतलब बेईमानी करना ठीक नहीं है, मतलब इसलिए हम सोच रहे कि पैदल निकल लेते हैं आगे को, जहाँ गाड़ी मिलेगी अगर रुकी ठीक है, नहीं तो पैदल चल रही, क्योंकि नंबर आने वाला है नहीं, 11 बजे नंबर आने में। सोनप्रयाग हम लोग पहुँच गए हैं, तो अब हम लोग खाना खाते हैं यार, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं हम लोग आज। ये है दोस्तों आपका सोनप्रयाग की मार्केट।